आपके साथ मैं हूं आज और आप देख रहे हैं तेज खबर 24। इस वक्त खबर आ रही है रीवा से, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्योति स्कूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विद्यार्थी परिषद ज्योति स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल रीवा शहर में संचालित ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल का मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ज्योति स्कूल से निकाली जा चुकी शिक्षिकाओं द्वारा पूर्व में लगाए गए आरोपों के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उनके साथ लगातार खड़ा हुआ है। शिक्षिकाओं द्वारा की गई शिकायत के तकरीबन एक सप्ताह से भी अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक जांच पूरी नहीं हो सकी है। प्रशासन के इस रवैये को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एक बार फिर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है और स्कूल के फादर के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल ज्योति स्कूल के फादर के विरुद्ध स्कूल की शिक्षिकाओं ने मानसिक व लैंगिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत संभागायुक्त से की गई, जिसके बाद मामला में सिर्फ जांच तक ही सीमित रखा गया। इधर स्कूल के फादर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान शिक्षिकाओं के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। बावजूद इसके शिक्षिकाएं हार नहीं मानी और सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल करते हुए फादर को बेनकाब कर दिया। दरअसल वीडियो वायरल में शिक्षिकाएं झाड़ू पोछा लगा रही थी, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने से पहले फादर ने इन आरोपों को गलत ठहराया था, जो कि फादर की झूठ को सच साबित करता है। अब फादर का यह सच सामने आने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शिक्षिकाओं के पक्ष में आ गया और कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आगे थी पहली मार्च के हमारे जो फादर वासी मार्टिन ऋषि जी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, इसके पहले भी हमने संभागायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया था, दूसरी बार हमने तहसीलदार महोदय को भी ज्ञापन दिया ज्योति स्कूल के सामने, उस पर क्या कार्रवाई हुई, उसकी जांच में क्या आया, उसको सार्वजनिक किया जाए। दूसरी बात थी कि पिछले साल भी एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, उसकी जाँच का प्रशासन सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहा है। फिर तीसरी बात हमारी थी जो अभी नई किंडरगार्टन स्कूल खोली गई है ज्योति स्कूल की, उसकी मान्यता नहीं मिली थी, जिसके बावजूद भी आज पिछले 3 सालों से वो स्कूल चलाई जा रही है, अभी 2 साल पहले उसकी मान्यता हुई, उसकी जांच प्रशासन क्यों नहीं करा रहा है। चौथी बात यह है कि ज्योति स्कूल की छुट्टी होती है तो वहाँ पर जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जो नालियाँ भी बन रही हैं वो नगर निगम स्कूल प्रशासन के दबाव में आकर के टेढ़ी मेढ़ी नालियाँ बना रहा है, आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएँ होती रहती हैं। प्रशासन क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, प्रशासन क्यों जांच नहीं कर रहा है, किसके दबाव में है प्रशासन, ये प्रशासन जाने। क्या किस तरह की आप मांग चाहते हैं, क्या चाहते हैं? हम ज्योति स्कूल प्रशासन के खिलाफ महिलाओं के सम्मान में उतरे हैं, महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए हमने राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, मानव संसाधन मंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है और आज भी हमने इन्हीं दोनों जिन के नाम से ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय। क्या नाम आपका? शिवेश उपाध्याय, नगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहा कि आखिर प्रशासन ज्योति स्कूल पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहा है, आखिर प्रशासन पर ऐसा कौन सा दबाव है जिसके चलते कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन तमाम सवालों के साथ जवाब विद्यार्थी परिषद ने प्रशासन से मांगे हैं, तो आइए एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि रीवा में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ज्योति स्कूल के खिलाफ राज्यपाल के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।